बच्चों आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। अरे मास्टर साहब 10 दिन से तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, ना आपको पढ़ाने आ रहा है ना हम लोग को समझ में आ रहा है, क्या पढ़ाते हैं आप? अरे चुप रहो, समय लगेगा, प्रिंसिपल साहब हमको बताए हैं तुम लोग को इंग्लिश का ए भी नहीं आता है। अरे देखो कैसा बुड़बक मास्टर है, बोल रहा है इंग्लिश का ए भी नहीं आता है, इंग्लिश में ए होता कहाँ जो आएगा। गोरा कद्दू तुम बताओ रे मास्टर को स्पेलिंग इंग्लिश का। मास्टर जी इंग्लिश का स्पेलिंग होता है ENGLISH, तो ए इसमें कहाँ आता है। ज्यादा बकवास मत करो तुम लोग, आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। हाँ तो मास्टर साहब इंग्लिश में बोला ही जाता है, डांस थोड़ी ना किया जाता है। अरे आप लोग हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, बीच में काहे टोक रहे हैं, ऐसे कीजिएगा तो हम पढ़ाएंगे नहीं आप लोग को। तो इंग्लिश बोलने से पहले हमें वोकैबुलरी सीखना होगा, क्योंकि बिना वोकैब के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स याद करवाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आपको कोई कार्य आसान लगता है तो उसके लिए आप अंग्रेजी में सामने वाले को क्या बोलते हैं? सर हमको इतना अंग्रेजी आता है, हम उस वक्त बोलते हैं इट्स वेरी इजी। हाँ जो तुमने बोला ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कॉमन है, बहुत ही सरल है, ये तो सब बोलते हैं। तो जो सब करते हैं वो हमें नहीं करना है, हमें कुछ हट के करना है। तो आज से आप लोग वेरी इजी की जगह डक सूप का इस्तेमाल कीजिए। डक सूप का भी मतलब बहुत आसान होता है, तो अगर आप इस शब्द का किसी के सामने इस्तेमाल कीजिएगा तो सामने वाला आपको अंग्रेजी का मास्टर समझेगा। अच्छा मास्टर साहब, कहीं इसी शब्द का इस्तेमाल आप प्रिंसिपल साहब के सामने तो नहीं किए थे, ताकि प्रिंसिपल साहब भी समझे आप अंग्रेजी का मास्टर है। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, ये हमको पूरा अंग्रेजी आता है। अगर सर हम लोग ये जो आप बता रहे हैं डक सूप, इसका इस्तेमाल करेंगे वेरी इजी की जगह, तो होटल वगैरह में अगर हम लोग बोल दिए डक सूप, तो होटल का जो वेटर है बोलेंगे टोमेटो सूप लाने, तो बत्तख का सूप लाकर देगा हम लोग को। ये अंग्रेजी नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग वेरी इजी ही बोलेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे भी मास्टर साहब हमको अंग्रेजी हिंदी से कम पसंद आता है, देखिए वहाँ दीवार पर क्या लिखा है। क्या लिखा है? आई लव यू लिखा है। हाँ तो बताइए ये जो आई लव यू लिखा है लड़का लिखा है कि लड़की लिखी है? अरे इसमें उसका नाम थोड़ी ना लिखा है जो हमको पता चलेगा कौन लिखा है। इसीलिए तो हमको अंग्रेजी पसंद नहीं है, अगर यहीं पर हिंदी में लिखा होता मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो कोई भी बता देता कि ये कौन लिखा है, लड़का लिखा है कि लड़की, अंग्रेजी में पता ही नहीं चलता है कौन लिखा है। अरे ये बात तो तुम बहुत ही अच्छा बोला, हम तो इस बारे में कभी सोचे ही नहीं थे। सर कुछ भी सोचने के लिए बुद्धि का जरूरत होता है जो हमारे पास है। तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हमारे पास बुद्धि नहीं है? अगर होता तो हमसे पहले आप सोचते ना, नहीं है तभी ना नहीं सोचे। हमको इस बात का खुशी है कि 10 दिन में आप हम लोग को कुछ नहीं सिखाए सिवाय डक सूप के, लेकिन हम आपको बहुत बढ़िया चीज सिखा दी है, जिंदगी भर याद रहेगा आपको।